नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान लिस्ट सिर्फ एक मिनट में आप कैसे देख सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो आपको सबसे पहले जाना है क्रोम ब्राउज़र में, अपने मोबाइल को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपको सर्च करना है पीएम किसान। आपको सर्च करना है पीएम किसान। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक वेबसाइट नज़र आएंगे, जो कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं। आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल खुल करके आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बेनिफिशरी लिस्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे स्टेट झारखंड सेलेक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट, और इसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद ब्लॉक, आप सारा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका गांव का ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे गांव सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे हमने गांव सेलेक्ट किया, गेट रिपोर्ट पे आप पे जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने लिस्ट ओपन हो जाएंगे। कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप भी इस आसानी से चेक कर सकते हैं। ये हमारा लिस्ट है गाँव का, तो आप भी इस तरह का चीज़ चेक कर सकते हैं अपने गांव का लिस्ट। तो यहाँ पे जैसे दूसरा पेज पे हम ओपन करते हैं, तो दूसरा पेज में भी हमारे सामने कुछ इस तरह का सामने आ जाते हैं और आसानी से हम चेक कर पा रहे हैं। तो आप भी अब चेक करना चाहते हैं, तो आप भी आसानी से चेक कर सकते हैं अपने गाँव का लिस्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेंगे आपको। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।